दोस्तों 1901 में हमारे देश की शहरी आबादी करीब 11.4% थी, जो 2001 में बढ़कर करीब 28% हो गई और आज करीब 32% लोग शहरों में रहते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और भी तेजी से बढ़ने वाली है, जिसे मद्देनजर रखते हुए हमारे देश में नए शहरों का निर्माण भी काफी तेजी से किया जा रहा है, जिन्हें हम स्मार्ट सिटीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, स्मार्ट सिटीज एक ऐसी सिटीज होती हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्शन के थ्रू एसेट और रिसोर्स का इस्तेमाल इफिशियंटली किया जाता है। इन मॉडर्न सिटीज में ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट पे काफी जोर दिया जाता है और यह भी ध्यान रखा जाता है कि यह सिटी पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो और क्लीन एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करती हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, टॉप 5 फ्यूचर स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। पांचवें नंबर पर है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। यह शहर 217 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ होगा, जिसमें व्यापार, शिक्षा, मेडिकल, टूरिज्म पे खासा ध्यान दिया जाएगा। यह शहर 4 नेशनल हाईवे, 1 नेशनल वाटरवे और रेल और रोड ट्रांसपोर्टेशन के रूट से जुड़ा हुआ होगा। इस स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए जापान और सिंगापुर जैसे देश भी आगे आए हैं। अमरावती का कैपिटल रीजन 17 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जिसमें करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, साथ ही 7 लाख जॉब्स पैदा होंगे। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 किलोमीटर की मेट्रो रूट, 15 किलोमीटर का बस ट्रांजिट सिस्टम, 26 किलोमीटर का एरियल रूट, 53 किलोमीटर का कनेक्टर रोड्स की व्यवस्था की जाएगी। चौथे नंबर पर है गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी के नाम से जाने जाने वाला गुजरात का यह शहर बिजनेस कैपिटल बनने जा रहा है। यह स्मार्ट सिटी 439 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ होगा। साबरमती नदी के किनारे और अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर मेट्रो की कनेक्टिविटी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी सप्लाई, वैक्यूम वेस्ट कलेक्शन जैसे आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह सिटी ईस्ट चाइना आर्किटेक्चरल डिजाइन के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, जो पहले शंघाई जैसे शहर को प्लान कर चुकी है। तीसरे नंबर पर है हैदराबाद का हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी का पूरा नाम हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी है। यह शहर अभी काफी डेवलप्ड है, आने वाले समय में और भी ज्यादा डेवलप होगा। यहाँ आईटी, एनर्जी, हेल्थ, इंफॉर्मेटिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। यह शहर 200 एकड़ में फैला हुआ है। इस शहर में बड़े बड़े कंपनीज जैसे ह्यूंडई, आईबीएम, एक्सेंचर, बैंक ऑफ अमेरिका, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज की डेवलपमेंट सेंटर है। इस स्मार्ट सिटी पर इंडियन गवर्नमेंट खासा ध्यान दे रही है। दूसरे नंबर पर है धुलेरा स्मार्ट सिटी। धुलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात का एक और मॉडर्न सिटी है, एक इकोनॉमिक हब बनकर तैयार होगा। 2009 में गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शिलान्यास किया था। यह शहर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में पड़ता है, जो कि एक काफी अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसके डेवलपमेंट के लिए। यह शहर 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ मेनली इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक, नॉलेज, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में इको फ्रेंडली पावर प्रोडक्शन के लिए 5 गीगावाट के पावर प्लांट को भी लगाया जाएगा। धुलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चरल रोड, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होंगी। आने वाले समय में यह शहर देश की सबसे डेवलप्ड
स्मार्ट सिटीज में से एक होगा और देश के डेवलपमेंट में अपना काफी अहम रोल निभाएगा। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। मुंबई का सैटेलाइट शहर के नाम से जाने जाने वाला नवी मुंबई आने वाले 10 सालों में इंडिया का सबसे एडवांस शहर में से एक होगा। इसे मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और इसमें करीब 34,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। 2019 के अंत तक नवी मुंबई में 8.4 लाख जॉब क्रिएट होंगे। इस शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे जो वेस्ट वाटर को रीयूज करने में मदद करेंगे। अभी नवी मुंबई की पॉपुलेशन करीब 11 लाख लोगों की है जो आने वाले समय में काफी तेजी से बढ़ेगी, जिसे मद्देनजर रखते हुए सरकार अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक संसार को। धन्यवाद।